हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए चेतन मलिक एंड मैं आपके सी ए इंटर में टैक्स एंड कॉस्ट का पेपर आप लोग को पढ़ाता हूँ। मैंने जैसे कि वादा किया था कि अपने चैनल पे कुछ वीडियोस लेके आऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेंगे। आई होप हमारी वीडियोस आपको एग्ज़ाम में हेल्प करी होंगी। कुछ फ्री वीडियोस हम लोग लेके आए टाइम टू टाइम। और दोस्तों, सी ए इंटर में टैक्स एंड कॉस्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ। हमारी लाइव क्लासेस पीतमपुरा और लक्ष्मी नगर में होती हैं। सी ए इंटर में लॉ ऑडिट शिवाली मैम पढ़ाती हैं, जिनसे आप लॉ के वीडियोस देख रहे हैं। उनकी क्लासेस भी पीतमपुरा और लक्ष्मीनगर लाइव होती हैं। पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव वीडियोस भी अवेलेबल हैं। आप नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके आप हमारी वीडियोस के बारे में या लाइव क्लासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बस हाँ, ये एंड में याद जरूर रखिएगा, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाते रहें। और याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे। सो एन्जॉय द क्लासेस। ये चैनल आप लोगों के लिए, हमारी मेहनत अगर आप तक पहुँच रही है, आप प्लीज़ इसको एन्जॉय कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल डियर। मिलते हैं सी ए इंटर में। थैंक यू। Namaste friends, myself CA Shivali Agarwal, and in CA Foundation I am taking law and in CA Inter I am taking law and audit. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस चैनल के थ्रू अब हम लोग बहुत सारे रिविजन लेक्चर्स एंड नॉर्मल क्लासेस अपलोड करने वाले हैं, जो आपको हेल्प करेंगी आपकी पेपर्स की प्रेपरेशन के लिए। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो साइड में बेल बटन बना हुआ आ रहा है उसको आप प्रेस कर दें, सो दैट जो भी लेटेस्ट वीडियो आ रही है, जो भी लेटेस्ट रिविजन आ रहा है और जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आ रही हैं, आप उन सबको अच्छे से देख सके, जो आपको हेल्प करेंगे आपके पेपर्स के दौरान। सो जस्ट एंजॉय द क्लासेस दैट आर फॉलोइंग दिस वीडियो। चल जी, गुड मॉर्निंग। सो लेट अस रिवाइज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कब आया था? 1 सितंबर 1872। कितनी यूनिट्स? लास्ट क्लास में हमने शायद लिखा भी था ना कि कैसे हमें रिवाइज करना है। यूनिट वन में कितनी बातें थी हमारे पास? एक, दो या तीन बेसिक बातें? कितनी थी हमारे पास? तीन बेसिक बातें थी, दो बेसिक बातें थी, फिर डिफरेंसेस थे। ठीक है, ये आ गया हमारा यूनिट वन। यूनिट वन में क्या था? पहला, एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए किस किस एसेंशियल की हमें रिक्वायरमेंट है? 10 थे, 5 और 5। देन हमारे पास क्या आए थे? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन 4, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन बायोलैटरल, यूनिलैटरल, बायोलैटरल एग्जीक्यूटेड एंड बायोलैटरल एग्जीक्यूटरी, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी 1, 3, 2, वैलिड, वॉइड, वॉइड एबनिशो और वॉइड एबल, लास्ट में इनलीगल और अनएनफोर्सेबल। क्या हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है? क्या हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होता है? यस। क्या हर इनलीगल वॉइड एबनिशो होता है? यस। क्या हर वॉइड एबनिशो इनलीगल होता है? इनलीगल की कोलैटरल वॉइड होती है और वॉइड की कोलैटरल वैलिड होती है। ये थी हमारी यूनिट वन। यूनिट टू पे चलते हैं। यूनिट टू में क्या था हमारे पास? ऑफर और एक्सेप्टेंस। ऑफर में 5 बातें, एक्सेप्टेंस में 3 बातें। ऑफर की 5 बातें, असेंशियल्स ऑफ ऑफर, कितने पॉइंट्स थे इसमें? 8 पॉइंट्स थे, असेंशियल्स ऑफ ऑफर। देन टाइप्स ऑफ ऑफर कौन से थे? जनरल, स्पेसिफिक, काउंटर, क्रॉस, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, स्टैंडिंग, ओपन एंड कंटिन्यूअस, ये टाइप्स ऑफ ऑफर थे। उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, रिवोकेशन ऑफ ऑफर और मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। ठीक है, एक्सेप्टेंस में क्या क्या था हमारे पास? असेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये हमारी यूनिट थी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की। फिर हमारे पास आई थी कंसिडरेशन की यूनिट। कितनी बातें थी? 4 बातें। पहली बात, डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। सेक्शन कौन सा था कंसिडरेशन का? 2D। उसके बाद असेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन ऑन प्रोमिसीज बिहाफ, कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, कंसिडरेशन मस्ट बी
रियल नॉट इल्यूजरी कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडवोकेट कंसिडरेशन ये होनी चाहिए और ये नहीं होनी चाहिए. फिर इसमें हमने दो टाइप्स के एक्सेप्शंस किए थे कौन से नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट इसके एक्सेप्शन थे और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या थे लव एंड अफेक्शन कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज रिटर्न प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट तीन थे बड़े बड़े उसके बाद चार छोटे छोटे एजेंसी गिफ्ट एक्चुअली मेड चैरिटी और बेलमेंट डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी क्या कहती है कि ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू ईच अदर क्या स्ट्रेंजर स्यू कर सकता है नहीं कर सकता एक्सेप्शन क्या कहेगा कि स्ट्रेंजर स्यू कर सकता है या पार्टी किसी स्ट्रेंजर को स्यू कर सकती है क्या था इसमें निमोनिक क्या था हमारे पास बी एफ ट्रिपल ए वो ए एफ सी सी आई है ठीक है बी एफ ट्रिपल ए बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट फैमिली सेटलमेंट फॉर फीमेल्स असाइनमेंट एजेंसी और एक्नॉलेजमेंट ये हमारा कौन सा हुआ यूनिट थ्री यूनिट फोर में आए तीन लोग जो केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं होते माइनर अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ माइनर क्या माइनर के साथ किया गया हर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है क्या माइनर प्रोमिसर बन सकता है क्या अगर कॉन्ट्रैक्ट माइनर के लिए बेनिफिट के लिए हो तो चलेगा यस yes. क्या अगर वो प्रॉमिस ही है तो चलेगा क्या क्या माइनर मेंबर ऑफ द कंपनी बन सकता है नो फुल्ली पेड अप शेयर्स हो क्या माइनर हमेशा अपनी माइनॉरिटी प्लीड कर लेगा क्या माइनर कभी भी पर्सनली लायबल होता है क्या माइनर को अगर तुम नेसेसिटीज भी प्रोवाइड करोगे तो वो अब नेसेसिटीज के लिए पर्सनली लायबल होगा या नहीं होगा वो नेसेसिटीज के लिए भी पर्सनली लायबल नहीं होगा क्या जो हमारा माइनर है वो प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप में प्रिंसिपल बन सकता है नहीं क्या एजेंट बन सकता है यस yes. क्या माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बचपने में कर लिया उसे मेजोरिटी में जाके रेटिफाई करवा सकते हो नहीं करवा सकते अनसाउंड माइंड कौन होता है जो रैशनली जज ना कर सके तीन कौन कौन इडियट ल्यूनेटिक और ड्रंकार्ड इडियट पूरा पागल ल्यूनेटिक आधा पागल ड्रंकार्ड क्या ल्यूसिड इंटरवल्स के दौरान आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो यस लास्ट में डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कौन से लोग हैं जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हैं ए एफ सी सी आई एलियन एनिमी फॉरन सॉवरेन कॉन्विक्ट कॉरपोरेशन और इनसॉल्वेंट क्या कॉन्विक्ट जब लीव पे आता है बाहर उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो उसके साथ यस yes, कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास यूनिट कौन सी आई फ्री कंसेंट क्या कहता है इसमें कंसेंसस एड आइडम जब भी दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करें तो उनकी कंसेंट कैसी होनी चाहिए फ्री होनी चाहिए क्या दोनों अंडरस्टैंड कर रहे होने चाहिए सेम बात इन द सेम सेंस यस जो मैं कहना चाहती हूं वही तुम समझे हो तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा किसी एक का भी कंसेंट अगर फ्री नहीं है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है कंसेंट फ्री नहीं है कुछ गड़बड़ की गई है वॉइडेबल एक पार्टी गिल्टी पार्टी एक पार्टी अग्रीव पार्टी जिसके साथ गलत हुआ अग्रीव पार्टी किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल होता है अग्रीव पार्टी के ऑप्शन पे क्या हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है पांच केसेस थे कोर्जन अंडू इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक कोर्जन क्या था डराना धमकाना और कॉन्ट्रैक्ट में लाना तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त कर लूंगा फिजिकल फोर्स लगाना कोई प्रेशर डालना क्या जरूरी है जहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट करें वहां आईपीसी लगता हो नहीं क्या जरूरी है कोर्जन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट पे ही किया जाए नहीं क्या थ्रेट टू कमिट सुसाइड ऑल्सो अमाउंट टू कोर्जन यस दिस वॉज कोर्जन वॉट वॉज अंडू इन्फ्लुएंस जहां पर एक होती है डोमिनेटिंग पार्टी और वो उस पोजिशन का क्या करती है अनफेयर एडवांटेज उठाती है जब मेरी तुम्हारे ऊपर रियल एपरेंट अथॉरिटी है जब मेरी और तुम्हारी फिड्यूशरी रिलेशनशिप है या फिर मैं तुम्हें कंट्रोल कर पा रही हूं ड्यू टू योर एज इलनेस बॉडीली डिस्ट्रेस और मेंटल डिस्ट्रेस ये होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस वॉट इज फ्रॉड एंड वॉट इज मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड इज इंटेंशनली धोखा देना मिस रिप्रेजेंटेशन इज इनोसेंटली धोखा देना क्या दोनों ही केसेस में वॉइडेबल होता है यस मिस रिप्रेजेंटेशन में वैलिड होने के चांसेस होते हैं कब जब मैंने मिस रिप्रेजेंट किया और तुम मिस रिप्रेजेंट हुए ही नहीं या फिर जब मैं मिस रिप्रेजेंट कर रही हूं तुम्हारे पास चांसेस हैं कि तुम सच्चाई का पता चला सको लेकिन तब भी तुम नेग्लिजेंट हो तो मिस रिप्रेजेंटेशन तब वैलिड रहती है क्या मियर साइलेंस फ्रॉड होता है सिंपली चुप रह जाना क्या फ्रॉड होता है नहीं साइलेंस कब कब फ्रॉड होता है व्हेन इट वाज योर ड्यूटी टू स्पीक एंड व्हेन योर साइलेंस वाज इक्विवेलेंट टू स्पीच व्हेन इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक कब कब होती है तुम्हारी ड्यूटी कि तुम बोलो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज
शेयर अलॉटमेंट, फिड्यूशरी रिलेशनशिप, फैमिली सेटलमेंट. ठीक है, यहां पर ड्यूटी टू स्पीक होती है, अगर नहीं बोला तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाएगा. ठीक है, लास्ट में आई मिस्टेक. मिस्टेक अगर मैं कहती हूं नॉर्मल, एक है हमारी इंडियन लॉ की और एक है हमारी फॉरेन लॉ या फैक्ट की. अगर इंडियन लॉ को लेके मिस्टेक पे हो तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड रहेगा. मिस्टेक ऑफ फैक्ट या फॉरेन लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड रहेगा. इसमें तीन बातें आई, हम दोनों किसी इंपॉर्टेंट मटेरियल को लेके मिस्टेक पे हैं. हम दोनों किसी इंपॉर्टेंट मटेरियल सब्जेक्ट मैटर को लेके मिस्टेक पे हैं. क्या यहां इंडियन लॉ की बात है जो वैलिड बोल रहे हो? जब दोनों लोग एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर को लेके मिस्टेक पे हैं तो क्या होता है? वो वॉइड एट इनिशियो. हम दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में तुम मिस्टेक पे हो अपनी गलती की वजह से, मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी, वैलिड. तुम मिस्टेक पे हो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है या मैंने तुम्हारे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन की है, वॉइड एबल. हमारे पास लास्ट यूनिट आई क्या कहती हुई, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन. पहले हमने छह बातें करी, जहां पर जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो अनलॉफुल होगा. कौन सी छह बातें? पांच इधर एक, ऑपोजिट टू पब्लिक पॉलिसी अलग रखेंगे. पांच इधर बताओ, फॉरबिडन बाय लॉ, डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ, ये दो एक साथ हो गए. उसके बाद तीन बातें एक साथ, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी, और व्हेन कोर्ट रिगार्ड्स इट इमोरल. ठीक है, उसके बाद अग्रीमेंट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. कौन से अग्रीमेंट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी थे? पहले पैसे खिलाना, किस किस को पैसे खिलाते थे? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, पुलिस को पैसे खिलाना. इंटरफियरेंस इन द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, जज को पैसे खिलाना. ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस, गवर्नमेंट जॉब के लिए पैसे खिलाना. ट्रेडिंग विद एनिमी, कंसिडरेशन अगर अनलॉफुल है इन पार्ट. मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट अगर दलाली कर रहे हो, अगर मोनोपोली क्रिएट करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी क्या माना जाएगा? हमारा वॉइड माना जाएगा. इंटरेस्ट को ऊपर रखा है अपने कर्तव्य से. एजेंट थे तुम लेकिन तुमने पर्सनल प्रॉफिट अर्न किया अपने कर्तव्य से ऊपर, वो भी क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा. मेंटेनेंस, चैम्पर्टी, क्या जनरली वैलिड होते हैं? मेंटेनेंस और चैम्पर्टी जनरली क्या रहते हैं? हमारे वैलिड रहते हैं जब तक क्या ना हो, मालिशियस मोटिव ना हो या कोई अनरीजनेबल कॉज ना हो, तब तक मेंटेनेंस और चैम्पर्टी वैलिड रहते हैं. ठीक है, इसके बाद हमने लास्ट, अच्छा इसमें और क्या बातें थी इसी चैप्टर में? और क्या बातें थी? रीस्ट्रेन, किसी को किसी से काम करने से रोकना, शादी करने से रोकना या लीगल प्रोसीडिंग से रोकना. तीनों चीजें कैसी रहेंगी? सबने बोलना है वॉइड रहेंगी. क्या इसके एक्सेप्शंस हैं? यस. क्या क्या व्यापार करने से भी वो वैलिड होगा? सेल ऑफ गुडविल, दो अग्रीमेंट कौन से थे? पार्टनर्स अग्रीमेंट और सर्विस अग्रीमेंट्स, और लास्ट में ट्रेड कॉम्बिनेशन. क्या किसी को शादी करने से रोक लगाओगे फिर भी वो वैलिड होगा? किसका? माइनर. क्या लीगल प्रोसीडिंग करने से रोक लगाओगे तब भी वो वैलिड होगा? कौन सा? आर्बिट्रेशन और कॉम्प्रोमाइज. व्हाट वाज वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग अग्रीमेंट क्या थे? बेट लगाना, सट्टेबाजी करना वेजरिंग था. जब भी हम अग्री करते हैं कि हम एक सम ऑफ मनी देंगे या लेंगे, कब? ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ अनसर्टन फ्यूचर कोलैटरल इवेंट. ये बातें तो यहां सेम थी ना, कंटिंजेंट से. अनसर्टन फ्यूचर कोलैटरल इवेंट, यहां पर मेन मुद्दा, हमारा मेन मोटिव क्या होता है? गेन या लॉस. क्या हमारे माइंड में कोई भी अदर चीज चलती है? नहीं चलती. क्या वेजरिंग वॉइड होते हैं? वेजरिंग वॉइड होते हैं. क्या क्या वेजर होता है, क्या क्या वेजर नहीं होता? क्या वेजर होता है? लॉटरी वेजर, क्रॉसवर्ड पजल कहां तक ओके हैं? उसके ऊपर वॉइड वेजर माने जाएंगे. हॉर्स रेस 500 से नीचे वेजर है, ऊपर ओके है. और स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस वेजरिंग है. क्या क्या वेजर नहीं होता? चिटफंड नहीं होता, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस नहीं होती, और गेम ऑफ स्किल नहीं होता, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वेजर नहीं होता. लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था एक अलग टाइप का कॉन्ट्रैक्ट. क्या था वो? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, जिसने फर्स्ट
टू या थ्री क्लासेस देखी हैं. अब ध्यान इधर, अभी तक रिवीजन था. क्या कहा जाता है, एवरी डे वी आर स्पेंडिंग जस्ट 10 to 12 minutes. एक क्या हो रहा है, हमारा रिकैप हो जाता है फ्रॉम ऑफर टिल राइट नाउ कंटिजेंट. सिर्फ 10 मिनट स्पेंड करने हैं. एक 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 असेंशियल नहीं बोल रहे, बट पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या साथ साथ चल रहा है कि यस हमने वो सब पढ़ा हुआ है. ऐसा नहीं है कि हम उसको बिल्कुल ही भूल चुके हैं और अब आगे आगे बढ़े जा रहे हैं. ठीक है, कल क्या पढ़ा हमने, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. कंटिजेंट लाइबिलिटी पढ़ी थी, जैसे कि लाइबिलिटी आ भी सकती है हमारे ऊपर और लाइबिलिटी नहीं भी आ सकती. ठीक है, सेम तरीका क्या है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. मैं तुम्हें पार्टी दूंगी अगर तुम सीए फाउंडेशन में पास हुए. सो व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी दूंगी. मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट पार्टी देने का किस पे डिपेंडेंट था, सीए फाउंडेशन में पास होने का. तो जो सीए फाउंडेशन में पास होना है, क्या ये फ्यूचर इवेंट है, क्या ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ इवेंट है, क्या ये अनसर्टेन इवेंट है? यस. तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट जब भी बेस हो जाता है ना किसी फ्यूचर अनसर्टेन कोलैटरल इवेंट पे, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. की कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है और क्या पता कॉन्ट्रैक्ट ना भी हो, क्योंकि पार्टी सिर्फ कब दूंगी जब, अब बाई चांस कोई फेल हो गया तो क्या पार्टी वाला कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. इसमें हमने डेफिनेशन की थी, क्या डेफिनेशन थी इसकी, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग. दोबारा से, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट, धीरे 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 बिल्कुल, इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट happens or does not happens. This is our contingent contract. समझ में आ गया सबको, जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं भी अटेंड की थी, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करनी है कि जब मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट बेस कर रही हूं किसी दूसरे इवेंट पे, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. इसके रूल्स हमने किए थे शिप को एक बेस लेके. क्या रूल किया था, कंटिजेंट अपॉन इवेंट हैपनिंग. पहला क्या था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट था किस पे, ऑन इवेंट हैपनिंग. तो कॉन्ट्रैक्ट कब होगा हमारा, जब इवेंट होगा. मैंने कहा शिप अगर आ गई इंडिया में, अगर इवेंट हो गया तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. कंटिजेंट था कॉन्ट्रैक्ट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग, तो मेरा और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब शिप इंडिया में नहीं आएगी. कंटिजेंट अपॉन इवेंट हैपनिंग विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, कॉन्ट्रैक्ट होगा कब, जब वो इवेंट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम होगा. मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट है किस पे, टाइम में अगर वो शिप नहीं आई, या फिर विद इन अ फिक्स टाइम अगर कोई काम नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट होगा. दैट मीन्स अगर शिप नहीं आई तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. लास्ट के दो क्या थे, अगर मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को किसी इम्पॉसिबल इवेंट पे बेस कर दिया है तो वॉइड है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कभी हो ही नहीं सकता. आपने किस इवेंट पे बेस किया है, वो इवेंट तो कभी होगा ही नहीं. और लास्ट क्या था, मेरा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड था, मेरा कॉन्ट्रैक्ट किस पे बेस्ड था, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ पार्टीज पे. अगर पार्टीज ने वैसा किया जैसा मैं चाहती हूं तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर पार्टीज ने फ्यूचर में वैसा कंडक्ट नहीं किया तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. ये क्या थे हमारे पास, ये हमारे पास थे रूल्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. आवाज कम आई थी अभी, दैट मींस लास्ट क्लास में कम पढ़ा गया है या घर जाके नहीं पढ़ा है. इन रूल्स को दोबारा से देखो और पढ़ो अच्छे से, एक बार फिर इन्हें बोलेंगे, उसके बाद चलेंगे कोलैटरल इवेंट क्या होता है और एसेंशियल्स ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. और उसके बाद एक मजेदार सा टॉपिक बस हमें आज करना है, 5 points करने हैं जो हमें हल्का सा पता है, कोजाए कॉन्ट्रैक्ट, वो आज खत्म करेंगे. चलो फटाफट रूल्स फॉर एनफोर्समेंट को दोबारा पढ़ें, दोबारा रिवाइज करेंगे. आवाज बिल्कुल मजेदार नहीं थी, ऐसा लग रहा था नहीं पढ़ा हुआ है. सबके पास बुक्स हैं, ओके. अभी किससे शेयर कर लो, क्लास के बाद ले लेना, एंड ट्राई कि समझ आए कोजाए. कंटिजेंट हो सकता है हल्का फुल्का ना आए अगर लास्ट क्लास नहीं ली है, बट अभी कोजाए स्टार्ट करेंगे, दैट यू विल गेट टू नो.